ओपन लेटर, फुल एल्बम कवर कर चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं। ये तू आजा बड़े पहले। Hey guys, what is up and welcome back to another reaction video. तो आज मैं और मेरे साथ है आई एंड्रॉइड गेमिंग, हम दोनों रिएक्ट करने जा रहे हैं तलान जुम का रिसेंटली एक ऑडियो ट्रैक आया है विश टू डाई और आगे लिखा है फ्री स्टाइल। तो कुछ फ्री स्टाइल यू नो शिफ्ट होने वाला है, अंजुम भाई कुछ धमाका करने वाले और साथ में हैं दो और ही बहुत ही मशहूर नाम सेवेज एंड शारे। तो ये प्रोड्यूस बाय द वन एंड ओनली टैलेंटेड उमेर। तो भाई कुछ क्रेजी शिफ्ट ही होगा, फ्री स्टाइल भी है, विश टू डाई। बिफोर यू स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो आप लोग बता दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो इसी तरह मज़े की रिएक्शन वीडियोज देखने के लिए, और चैनल पे मेंबरशिप्स एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आने तो उसके थ्रू आप लोग सपोर्ट कर सकते हो हमें। तो लेट्स गो देखते हैं विश टू डाई फ्री स्टाइल। ओके स्टार्ट में वो एक सैंपल पता नहीं कहाँ से उठाया है। ये आजकल मतलब गानों में तो होता ही रहता है, लेकिन आजकल के रिसेंट जो सॉन्ग्स आ रहे हैं ना, लिटरली मैं हर दूसरा तीसरा गाना सुनता हूँ, लिटरली हर दूसरे तीसरे गाने में ये होता है, स्टार्ट में या एंड में या मिड में कहीं ना कहीं से सैंपल करके कुछ उठाया होता है, कोई कोट उठाया होता है, कुछ उठाया होता है। इसमें भी स्टार्ट में दोनों किसका है अगर आप लोग किसी को बताओ तो नीचे कमेंट में मुझे बताना। बोल रहा है कि हु शुड आई, तो वो बंदा हाथ उठाए। छत्तीस लौंडे सात शूटर सब ब्रूटल सब बुलटेर कुछ कोक्ट अप मथा शार्ट सर ऊपर। छत्तीस लौंडे सात शूटर और गाड़ियों में हूटर। गिव मी द लूट बिजनेस और रॉबरी बातें चोदने से होगी नहीं बराबरी। कराची को टोरंटो कर तो मैं तो ऑबरी। I don't go soft on you, you don't go soft on me. You go fuck any bitch you want, boy don't fuck with me. Ye Karachi hai, the legacy is stuck with me. Nice. So basically wo baat kar raha hai gangster shit baat ki. Karachi mein meri legacy, ha ki Karachi mein meri legacy hai. Tu jaye jiske sath bakchodi, ha jiske sath bakchodi karne ja ke kar. Sahi hai, don't fuck with me. मेरे साथ बकचोदी नहीं करनी, ये मेरा इलाका है। ये बेसिकली ही सेइंग कि ये मेरा इलाका है, इधर मैं कराची से टोरंटो तक मैं कर चुका हूं सब कुछ। डोंट फक विद मी, लेट्स गो। लेट नाइट एल्बम सेशंस उमर वाज अप विद मी। दिस शिट इज नॉट अ जोक, स्टिल काइंड ऑफ फनी टू मी। ही इज कुकिंग डोप शिट, मैं कहता रन इट टू मी। नाइस, सो शाउट आउट टू उमर, बोलता है कि लेट नाइट एल्बम शिट उमर इज विद मी। रीसेंट एल्बम आई है भाई की, उमर ने बहुत काम किया है, उमर ने रातें जागी है क्योंकि भाई बंदे ने मैंने किया है काम सही है। बिल्कुल ऐसे दिखा भी उसमें। हाँ तो लेट्स गो। ये लिखाई बेमिसाल लेते फैंस हाथ चूम, मैं सेंटर ऑफ अटेंशन द एलिफेंट इन द रूम। आई एम द किंग, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे बॉयज जैसे तेरे वाले बॉयज नहीं है। मेरा शोर देख, तेरी तो कोई नॉइज नहीं है। हम चले उस राह पे वो जो कोई चुने नहीं, हम काम फेंके उनका काम, यहाँ लन भी कोई सुने नहीं। दैट्स व्हाट्स अप। ओके, हम काम बैंक है, उनका काम वही, उनका काम भी लन सुने नहीं। और बीच में मुझे एक और प्रोडक्शन क्वालिटी उमेर की देखने को मिली, अच्छी लगी, जब वो बोलता है कि मेरा मतलब मेरा शोर सुन और तेरा कोई शोर नहीं। जब ये लाइन इस तरह बोल रहा था तो पीछे जो बीट थी ना बिल्कुल फ्लैट, कुछ नहीं, पीछे कुछ साउंड नहीं थी, लाइक नॉइज नहीं थी, खामोशी उस लाइन में। तो ये वो इसलिए था कि लोगों को सुनाया कि लिसन मी आउट। नहीं, उसमें वो बोल रहा था अंजुम कि खामोशी, मतलब वो मैच किया है कि तुम्हारा काम कोई सुने नहीं, खामोशी है, वो उससे मैच किया है। स्मॉल किड पर सुनता था बीआईजी, काम टॉप नॉच जब भी बने आके जी, कैरी करता एक काउंट्स लगे ना के बी, रोशनियों का शहर इधर होते फाके बी। आई गॉट अ स्टोरी टू टेल पर किसी और दिन, ड्रग्स छोड़ बेटे इधर बिकते हैं ऑर्गन, जमीनी खुदा बहुत इधर समी है मॉर्गन, फूलती है सांसे ये कर नहीं सकते लॉन्ग रन, सेम बुक पे फूलती है सांसे ये कर नहीं सकते लॉन्ग रन। लॉन्ग रन basically when you smoke too much तो stamina you know वो नहीं रहता, तो वो वाला वो बोला है और बोलता है कि भाई यहाँ पे organs बिकते हैं, organ भी बिक जाते हैं, organ भी बिक जाते हैं। और basically बोल रहा है कि रोशनियाँ बहुत है और यहाँ पे फाके भी बहुत हैं,
आई थिंक वहां के भी बेसिकली बहुत, उसकी बात कर रहा है, कराची शहर की बात कर रहा है। हाँ कराची शहर की बात कर रहा है कि यहाँ पे रोशनियों का शहर तो है लेकिन यहाँ पे भूखे लोग भी बहुत हैं। भूखे लोग भी बहुत है, क्योंकि कराची को एज इन पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक यू नो सिटी माना जाता है, कि माना जहाँ पे जाता है बहुत कुछ है। इस क्लाइंट को बहुत अगर तुम कुछ। थोड़े डीप लो ना, कराची में कारोबार हर चीज़ें बहुत है, रेस्टोरेंट कराची लाइक बेसिकली इन शॉर्ट कह हब सकते हो है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कराची लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली बोल सकते हो पाकिस्तान के हब्स है, सही है, हब्स हब है है बिल्कुल। पाकिस्तान की, जहाँ से पाकिस्तान फुल जो बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ होंगे और सिटीज के लोग जो मुझसे एग्री नहीं करेंगे, थोड़ा यू नो आ जाएंगे, बोले नहीं भाई ये कैसे बोल दिया कराची को, सही है कराची कुछ नहीं है, बेसिकली कराची से पाकिस्तान रन हुआ है अगर देखा जाए बिल्कुल तो, ऐसे ही सही है बिल्कुल ये, और ऑब्वियसली ये कराची बात से रन हो फैक्ट रहा, की रिपोर्ट है बात मेरे है, वहाँ पे ये बात फैक्ट की ऐसी बात है। तो कराची सब कुछ बिल्कुल रन हुआ फैक्ट है, है। तो बेसिकली वो बोले कराची में इतना कुछ है, बट यहाँ पे फाके भी होते फाके भी हैं, हैं हाँ ऐसी है, लोग कुछ यहाँ पे ऑर्गन भी बिकते हैं, फाके भी होते हैं। तो वो वाला सीन तो नाइस। पर नहीं थोड़ा टाइम दे मैंने कर देनी गेम चेंज, पसीने छुटवा देता इनका वैसे मेन स्टेज, उर्दू रैप घर मेरा रखता इसको वेंटेज, बिग टाइम बिग बॉस बिग बॉस रे क्रॉस डिस करे 5-4 रैपर नाइस दे आर दिस टॉल सिप माइंड सिक टॉक लव करते बिग डॉग के टाउन हिप हॉप यू नेवर नो व्हेन शिट पॉप्स दे माइट पॉप और दे माइट नॉट, बच्चे इनके माने मुझे अपना आइकॉन, हैंग आउट के लिए हिट करे कहता भाई कौन, आई डू चिल विद यू मैं पैट नहीं करता पाइथन सब लेते शॉट मेरा आई डोंट चिल विद यू, मैं पेट नहीं करता पाइथन, आई डोंट चिल विद पाइथन। यू, मतलब मेरे देर से नहीं बनती, और मैं पाइथन मतलब सांपो को मैं पालता नहीं हूँ। नाइस नाइस शेट। डिफरेंट है कैलिबर ये भी प्लेटों साथ पे मैं, साथ ये भी बता गए कि उर्दू रैप में मैं ही किंग हूँ भाई। हाँ वो तो बोला है, एक थोड़ा पीछे कर लूँ, मिस हो गया। मेरा डिफरेंट है कैलिबर बीटों पे मैं एनिमल, स्मोक करते कैनिबस रोज करते मेडिटेट रोज करते सेलिब्रेट, खींचे टांगे भाइयों की स्टेबल नहीं है मेंटल स्टेट, सीएसआई कैटरिस्ट नहीं जा तू स्टूडियो, हड्डियां जगह पे कर दे हम तेरी फिजियो, सर्कल से तुम बाहर क्योंकि बड़वे तुम बीटीओ, आर्टिस्ट बड़े नहीं बस बड़े इनके वीडियो, मरी स्ट्रांग साथ फायर करते मेरी जेन, वेव छोड़ लेके आते पूरा हरिकेन, गला मांगे नाइस मेरा बस थोड़ी मोटी चेन, इनके बीफ खत्म होते बस है स्टोरी पे बनते जी हो। नाइस नाइस भाई, बंदे की रेफरेंस गेम सॉन्ग ये सही मेरे ख्याल है। से किसी को ना बीच में डिस भी कर गया कि नहीं भाई के वो टांगे क्यों चलता की, रहता है वो हिप हॉप में आजकल रिसेंटली, वो जो हाँ है ना वो ही लाइक मतलब फ्रेंडली डिस भी कह सकते हो आप वो फ्रेंडली डिस नहीं, बिल्कुल, वो तो ये मुझे पता है। बेसिकली इनका होता है लाइक यू नो के ओपोनेंट्स हाँ को फ्री बोल स्टाइल सो, रैप में चलता ही जनरल है। हाँ जनरल में सुन बातें होती जनरल रहती है, जनरल बातें, और रेफरेंस ऐसी है गेम जो है ना चेन नेक और वो वाली बातें बहुत स्ट्रॉन्ग थी बंदे की। भाई, ओके रेफरेंस गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ आई थिंक इट्स शारे, लेट्स गो। टू द रियलिस्ट वन ओपन लेटर इधर खोले तेरे सीक्रेट्स, बेसबॉल बैट टू द जॉ एंड योर टूथलेस में कर देता ऑफेंड, नहीं हार्ड रख के फीलिंग्स बस हार्ड रखे बार्स, लेके जाए सीधा मार्स, सम दैट 5-7 गाय लाइक आई एम केंड्रिक लमार, अब मैं अब फैशन मेरे गाय ओ जिस तेरे सरों पे सवार, लेके आजा अपने होमीज करे वार, देंगे स्कार्स अब ऊपर ने कोई बॉस, मैं वही जिद्दी आर्टिस्ट, अब चाहिए नहीं कोई लेबल नहीं मैं वो नीडी आर्टिस्ट, बस चाहिए सारा पैसा मुझे मैं वो ग्रीडी आर्टिस्ट, तेरी बेबी को घुमाऊं हां मैं वही फ्रीकी आर्टिस्ट, अब नहीं पड़ता फर्क मुझे बातों से दिल की, या सब है जहाज दिखता आंखों में सबकी, सर्कल से बाहर जो या रात छोड़े हक की, कराची मेरी जान हम या माचो दे सबकी आवाज। भाई नाइस है, बेसिकली अगेन भाई इस भाई ने भी कराची की बात कर दी, कराची मेरी जान और मैं एमसी डीजे कर मैं दूँ सबके। एमसी कर दूं सबकी, यानी कि बेसिकली कराची से इनको बहुत ही प्यार हाँ है, वो तो है भाई, वो ऑब्वियसली होगा भाई, सही है, उनका अपने होगा सिटी होम है तो ओके, वो बोलते भी टाउन है है भाई। अंजुम भाई हर ऑलमोस्ट हर सॉन्ग में बोलता भी है कराची मेरा तो। कराची कहीं पे इनके रेफरेंस आ ही जाता गाने में। हाँ तो ओके नहीं एफएल विद द कीज इधर बजे या कोई साज नहीं, आई एम सर्फिंग ऑन द बीट जैसे हो ये मुझ पे लाजमी, जब उड़ने की है सोच तो शाहीन आता बाज नहीं, ये बात नहीं है कागजी के आज भी एहसास नहीं, आई नेवर प्लेड गेम्स आई वाज देयर टू कंसोल, बट यू बी पुशिंग बटन्स लेना चाहते कंट्रोल, तुम देते ही नहीं कंधा अगर देते हो तो कोल्ड, नाउ आई एम क्वाइट एज अ माउस मेकिंग मूव्स ऑन द रोल्स इन अ जॉयस्टिक, ऑल द बॉयज स्टिक पेशेंस रहता थिन इधर रहती है बस वॉइस थिक, मैं काफी इंडिसाइसिव तो पर मुश्किल होती चॉइसेस, जब गिरेगा ये सिंगल पता लगे व्हाट द नॉइज़ इज़।
हारे गानी बेटा शारे दजी फुल अपॉन यू विद अ 9 मिली एनिमोसिटी इट्स एनिमोसिटी गर्मी खाएगा तो मरेगा भी नेक्स्ट टाइम वी गो टैक्स यू व्हेन यू आर इन आवर सिटी हारे गानी बेटा शारे दजी फुल अपॉन यू विद अ 9 मिली एनिमोसिटी शारे दजी एंड पुल अपॉन यू विद अ 9 मिली 9 मिली की रेफरेंसेस भी बहुत देते हैं मतलब 9 mm इनका एक गाना भी है सही बहुत अच्छा और दूसरा वो दूसरा वाला रेफरेंस भी देते हैं पुल अप ऑन यू विद अ 9 मिली समझ रहे हो ना पुल अप ऑन करके समझ गया हां नाइस फाइन की रेफरेंस गेम बहुत स्ट्रांग है रेफरेंस गेम तो है भाई नेक्स्ट टाइम वी गो टैक्स यू व्हेन यू आर इन आवर सिटी गुड शिट ऑब्वियसली इतना ही आई थिंक हाँ ओके नाइस नाइस इस गाने में ये अंजुम भाई ना थोड़े से हल्के में आए हैं अपने फुल वो होता है ना कि वो जो ये बीच ना भाई ना भाई हल्के में नहीं आए हैं अंजुम भाई की नहीं, लिरिक्स इन अ सेंस नहीं नहीं लिरिक्स अच्छे हैं लिरिक्स गेम अच्छी लेकिन वो वाले हल्के मतलब वो जो एक होता है ना इनका जो वो होता है वैसी मोड होता है उससे मुझे थोड़े हल्के में लगे ठीक है ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिफरेंट लग सकता है वो वैसी मोड सही है एक होता है फ्री स्टाइल में बेसिकली चिलो के मोस्टली होते हैं फ्री स्टाइल और फ्री स्टाइल नाम ही है फ्री स्टाइल लाइक यू नो उस फ्री स्टाइल में वो नहीं होता कि प्रॉपर तुम स्क्रिप्ट राइटिंग वो उसके मतलब यू नो लिख के तुम गाओ फ्री स्टाइल का नाम ही है फ्री स्टाइल बस कुछ भी गा लो और बेसिकली आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज अबाउट विश टू डाई और वो कराची वाला सीन तो अ गुड फ्री स्टाइल वन फ्रॉम अंजुम भाई बीच में शारे और सैवेज ने भी मस्त बार्स फेंकी सही है उनके मजा आया रेफरेंस गेम दोनों की सही है अंजुम भाई की तो सबको पता ही है बट शारे एंड सैविज की भी रेफरेंस गेम नेक्स्ट लेवल है तो भाई सुन के तो मुझे काफी अच्छा लगा एंड्रॉइड तुम्हें कैसा लगा बताओ यार मुझे सुन के तो बहुत अच्छा लगा बेसिकली मैं अगर इस गाने को थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूँ जो मुझे समझ लगा ना इन्होंने कराची के हालात बयान कर दिए ठीक है अच्छा जो कराची के अंदर बेसिकली जो सीन पार्ट चल रहा है ना उन्होंने तकरीबन इस गाने के जरिए ना विश टू डाय गाने का टाइटल भी है ठीक है और कराची के हालात ही इन्होंने बता दी कि भाई कराची है मेरा है मैं इसको प्यार करता हूँ लेकिन भाई हकीकत कराची की ही चल रही है ठीक है जो है वो है इन्होंने मुझे जो फील हुआ ठीक है आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली कुछ वही अगेन जो व्यूवर्स है उनको बताता चलूं कि ऑब्वियसली जो हम बोल रहे हैं वो हमारे ओपिनियन है सही है पर्सनल ओपिनियन है बिल्कुल वो हम किसी तबके या किसी यू नो कॉलोनी या उसको रिप्रेजेंट हम नहीं कर रहे अभी हम उस लेवल पर खैर गए भी नहीं है कि हम किसी बंद किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पर्सनल ओपिनियन से आप लोग के पर्सनल ओपिनियन डिफर कर सकते हैं हमसे होते हैं जिस तरह के बीच में मैंने कुछ लाइंस बोली या कुछ बातें की वही वो कराची वाली कराची को मैंने पाकिस्तान का हब बोल दिया अब मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि आएंगे कुछ लोग बोलेंगे सही है आएंगे कुछ लाहौर से लोग कुछ पिशावर से आएंगे मैं बाय द वे पर्सनली फ्रॉम पिशावर हूँ बट अगेन जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ सही है कराची इज हब ऑफ पाकिस्तान और उस जो मेरी ये ओपिनियन है कराची को हब बुला रहा हूँ मैं ये एक पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फैक्ट है और सेकंडली मेरी जो ओपिनियन है ना इससे आप डिफर कर सकते हो आप बोल सकते हो कि नहीं भाई मैं नहीं मानता कराची हब है पाकिस्तान का मैं तो बोलता हूँ बलोचिस्तान हब है पाकिस्तान का सही है तो आपकी अपनी ओपिनियन है मैं आपको हाँ तो मैं आपको ये नहीं बोला कि आप अपनी ओपिनियन मत दो तो इसलिए बाकी ओवरऑल गुड सॉन्ग पसंद आया मुझे सुन के सही है उमेर टैलेंटेड प्रोड्यूसर भाई ने जो है ना फिर से मस्त बीट पे काम किया और शारे और सैविज सही है मज़ा आ गया मुबशर पुत्र तो आप लोग कैसे लगे रिएक्शन दे आप लोग नीचे मुझे कमेंट में बताओ अगर हम लोग कुछ मिस कर गए हो तो आप लोग नीचे हमें कमेंट में वो भी बता सकते हो कि नहीं भाई आप लोगों ने मिस कर दिया है बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो चैनल बनते सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की मज़े मज़े की और रिएक्शन वीडियो के लिए और अंजुम भाई के रिसेंट जो एल्बम है ना ओपन लेटर फुल एल्बम कवर कर चुके हैं ये ऊपर आ रहा होगा सही है फुल एल्बम का लिंक जाके वो भी देख सकते हो उस पर रिएक्ट कर चुके हैं और यस सब्सक्राइब कर दो मिलता हूँ आपसे किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वन